है रात का है ये फैसला, फासला हम दे मिटा, आग को हम दे हवा, राखो। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद अब ये वायरलेस कनेक्शन लॉस्ट 10 बार आ चुका है 10 मिनट में पिछले। बाय 352 किलोमीटर से गंगोत्री अपना डेस्टिनेशन जहाँ पहुंचेंगे हम कल, हरिद्वार एंटर करने से पहले ही मिलती है आपकी दुकान। चिलर की माँ ठंडी बियर है भाई। ऐसे मोड़ पे ओवरटेक करने की गलती मत करना पहाड़ों पे, बिल्कुल नहीं पता लगेगा भाई। चाय इस व्यू के साथ तो मजा नहीं लाए, जैसा अपने को चाहिए। ये देखो ही नजारा लग रहा है, जबरदस्त। यो भाई भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया, ओ भूत आ गया, भूत आ गया। जल जाए बात हो जब दिलों के धड़कने की, बात हो राधे 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 राधे। Hey, good morning guys, welcome back to another video. फिलहाल अगर आप टाइम देखें तो 6:57 in the morning. तो भाई आज है अष्टमी और रामनवमी, तो सभी लोगों को शुभकामनाएं। बाकी एक छोटी सी 3 दिन की रोड ट्रिप स्टार्ट करने जा रहे हैं फैमिली के साथ, और टाइटल में आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, हम लोग जा रहे हैं इस बार फिर माउंटेन्स में, और हिमाचल नहीं, इस बार जा रहे हैं भाई उत्तराखंड। 4 धाम में से एक धाम जो कि है गंगोत्री, वहां जाएंगे, गंगा माता के दर्शन करेंगे। मैं ऑलरेडी 2021 में कोविड के बाद गंगोत्री धाम के दर्शन कर चुका हूं, तो मुझे पता है भाई उत्तराखंड के चारों धाम में से सबसे सुंदर नज़ारे जहां मिलते हैं वो है गंगोत्री, और वो मिलेंगे नज़ारे अपने को कल दशहरे वाले दिन, जब हम हर्षिल से जाएंगे, नहीं जब हम जाएंगे उत्तरकाशी से गंगोत्री। आज हमारा स्टे होने वाला है भाई उत्तरकाशी में, अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर है दिल्ली से, तो 10 घंटे लग जाएंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पे। और हाफ एन आवर में निकलते हैं दिल्ली से उत्तरकाशी के लिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग डे रहने वाला है। वीडियोज़ देखना एंड तक, चैनल कर लो सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे। बाकी फ्यूल अपन ने डलवाया नहीं है, रास्ते में कहीं डलवा लेंगे। अभी रेंज है ऑलमोस्ट आई थिंक 400 किलोमीटर की, 400 किलोमीटर की, देख लो सिटी की माइलेज भाई। जो लोग पूछते हैं स्कॉर्पियो एंड डीजल ऑटोमेटिक 4-व्हील ड्राइव, ये देख लो ये सिटी की माइलेज है, देती है 7 KMPL। बाकी चलते हैं भाई, थोड़ी सी देर में मिलते हैं आपको, और सीधे यहाँ से बढ़ेंगे फिर मेरठ एक्सप्रेस वे की तरफ। टाइम हो गया एग्जैक्ट 8, और अपना डेस्टिनेशन होटल का लगा दिया 416 किलोमीटर उत्तरकाशी, 10 घंटे लग जाएंगे, तो बोलो हर हर महादेव, हर हर गंगे। चलो जी, भाई मेरठ एक्सप्रेसवे शुरू होने वाला है, 8:40 हो गए। बाकी इधर दिल्ली का पहाड़ देख लो, कूड़े का पहाड़, इससे आपको असली पहाड़ दिखाएंगे। 4-5 घंटे में शुरू हो जाएंगे ऋषिकेश के बाद तगड़े पहाड़, और कल तो मजा ही आ जाएगा। चील्स बहुत सारी चील है भाई, यही है दिल्ली के पहाड़ तो, और तुम भी कौवे हो है ना। Stop.
बाकी बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है मेरठ एक्सप्रेसवे। 100 की स्पीड लिमिट है तो 100 पे क्रूज पे चल रहे हैं। भाई हो गया अपना मेरठ एक्सप्रेसवे कंप्लीट। तो कैमरेज बहुत लगे हुए हैं तो अपने देख के चलना। 100 की स्पीड लिमिट है, एक नंबर बना हुआ है। आई थिंक 8:40 पे हम चढ़े थे, 9:15 बजे हमने एग्जिट कर लिया। अब मेरठ बाईपास आएगा, स्पीड रहता है ट्रैफिक क्योंकि 2 लेन रोड है और बहुत ट्रैफिक रहता है, तो यहाँ पे अपने को टाइम लगेगा टिल रुड़की। तो बाकी एक टी ब्रेक लेते हैं थोड़ी देर में, कहीं पे चाय वाय पीते हैं। एस्टिमेट अपना भाई 4:52, 10 मिनट कम हुए। ये आ गया भाई राइट, यहाँ से जाओगे ना फ्लाईओवर के नीचे से तो मेरठ सिटी, और ये बाईपास स्टार्ट हो गया। अब काफ़ी ट्रैफिक मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे ढाबे वाबे खूब हैं, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है इधर। भाई ट्रैफिक मिल रहा है अब खूब इस पे मेरठ बाईपास पे, मतलब यहाँ पे स्पीड ड्रॉप हो जाएगी और खतौली आएगा अराउंड 35 किलोमीटर से यहाँ से, तो वहाँ पे अपन चाय का ब्रेक लेंगे। वहाँ पे 2-3 आउटलेट हैं अच्छे। सेकेंड टोल ऑफ द डे, 3 टोल और आएंगे शायद। चलो भाई जल्दी जल्दी कट लो। बाकी भाई ट्रैफिक देखो, मतलब रोड भरा हुआ चल रहा है बिल्कुल, भाई 60-70 की स्पीड पे चल पा रहे हैं। पीते हैं भाई चाय। टाइम दिखाऊं तो आपको 9:46। ओहो एम्बेसडर निकल गई। चलो चाय पी के बढ़ते हैं। बाकी बहुत तेज धूप है यार, आंखें नहीं खुल रही इतनी तेज धूप है, बहुत गर्मी है। वहाँ मिलनी चाहिए ठंड, गंगोत्री में ठंड मिलनी चाहिए अच्छी। चलते हैं भाई, सही चाय मिल गई बढ़िया एकदम। और खतौली से हम 10-12 किलोमीटर पहले हैं, खतौली नहीं रुके उससे पहले ही रुक गए थे। बट धूप देखो आप, क्या तगड़ी धूप है। आह चलो जी अब बढ़े आगे, बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। निकल लिए भाई सुबह से, 110 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए अपन ने, और स्टिल इसका डबल या ट्रिपल बचा है 307 किलोमीटर्स। तो देखो 6 बजे तक आई थिंक पहुंच ही जाएंगे हम, मैक्सिमम 6 PM। गुनगुनाने की वजह तुम हो। ये आ गया भाई खतौली का एग्जिट, राइट साइड में ये बोर्ड लगा हुआ है और इसकी पहचान है चीतल ग्रैंड। ये सबसे पुराना ढाबा यहाँ का, बहुत फेमस है, भीड़ होती है खूब दबा के, कभी हम तो रुके नहीं है इस पे। देखो गाड़ियाँ, इसके बाद एक दो बढ़िया आते हैं आउटलेट जहाँ पे हल्दीराम्स, बीकानेर वाला, मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स सब मिल जाएगा आपको। अबे यार ये क्या ही है महिंद्रा भी भाई साहब,
सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद अब ये वायरलेस कनेक्शन लॉस्ट 10 बार आ चुका है 10 मिनट में पिछले। ये नहीं सुधरेंगे भाई, महिंद्रा नहीं सुधरेगा। ये लो भाई एक बार और, 5 मिनट हुई है फिर से, फिर बंद हो गया। ये जब से अपडेट आया है और ज्यादा इशू आ गया है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो में, क्या करें। बस का एक्सीडेंट हो रखा है, खत्म हो चुकी है बिल्कुल। भगा 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 भाई, दोनों ट्रक ने दोनों लेन खा ली यार। अरे जाने दे भाई। भाई सहारनपुर से पानीपत वाला एक रोड भी है NH709D, शायद कोई एक्सप्रेसवे है, सीधा यहाँ से पानीपत निकाल देगा और फिर चंडीगढ़ और हिमाचल अगर जाना हो तो। अरे अपने आगे ही मिलते हैं क्या ऐसे ठस लोग, भाई साहब रोके खड़े हैं लेन को। अच्छा ला लो भाई, ग्रीनरी देखो कितनी बढ़िया हो रखी है इस टाइम पे, खूब ग्रीनरी है खूब। यहाँ लिखा है यमुनोत्री 339, वो लिखा भाई 352 किलोमीटर से गंगोत्री, अपना डेस्टिनेशन जहाँ पहुँचेंगे हम कल, आज और 251 किलोमीटर, और अभी उत्तराखंड आने वाला है बस। भाई टाइम 11:30 और रुड़की बाईपास पे आ गए हैं। ये लेफ्ट साइड पे पूरा रुड़की रह जाता है, अब इसके बाद बस हरिद्वार आ जाएगा और फिर हम ऋषिकेश से पहाड़ शुरू कर देंगे चढ़ाई। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। भाई ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं, ट्रैफिक काफ़ी है और हरिद्वार पहुंच गए हैं, और हरिद्वार एंटर करने से पहले ही मिलती है आपकी दुकान। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, यहाँ राइट साइड पे, हरिद्वार में नहीं है ना ऋषिकेश में कहीं है। चिलर की माँ ठंडी बियर है। भाई सामने जो वो ऊपर मंदिर दिख रहा है ना पहाड़ पे, वो है मनसा देवी टेंपल, ऑरेंज कलर का। देखो भाई पानी देख लो कितना जबरदस्त पानी है, इधर देख लो ये बहुत, और ये रहा ब्रिज सामने ओम की शेप वाला, कितना सुंदर है। भाई गंगा जी है हरिद्वार में, अभी हमने देखी है ना, हम जा रहे हैं जहाँ से उद्गम है गंगोत्री धाम से। वैसे तो गौमुख ग्लेशियर से है, उसकी ट्रैकिंग होती है 2 दिन की, तो वो भी करेंगे कभी अपन ट्रैकिंग ज़रूर, बट गंगोत्री से उद्गम है भागीरथी रिवर का, तो वहीं पे अब गंगा जी के साथ साथ जाएंगे अपन, भागीरथी नदी के साथ साथ गंगोत्री तक। यहाँ से भाई लेफ्ट जाओगे तो देहरादून मसूरी और सीधा अपन ऋषिकेश, लेकिन ऋषिकेश हम लोग घुसेंगे नहीं, उससे पहले ही बाईपास आता है लेफ्ट साइड में, वो लेंगे। बाकी हेजी सा लग रहा है पहाड़ों पे, सारा धुंधला धुंधला सा, क्या चक्कर है। भाई डीजल डलवा लेते हैं एक बारी, रेंज वैसे तो बची हुई है
185 किलोमीटर और 174 जाना है, और पहाड़ों पे ये रेंज एकदम से गिर जाएगी बिल्कुल इंस्टेंटली। और जो हम आए हैं ना अभी घर से 244, ऋषिकेश बस 5 किलोमीटर रह गया भाई। आगे जो डाइवर्जन बाईपास है ना ऋषिकेश का, वहाँ जाम लगा ही रहता है। देखो बोर्ड पे लिखा है ना लेफ्ट, गंगोत्री यमुनोत्री, इवन बद्रीनाथ केदारनाथ भी इन्होंने लिखा है लेफ्ट, ताकि ऋषिकेश में आपको मेन में घुसना ना पड़े। रास्ता देखो कितना बढ़िया, सफेदे के पेड़ सारे, क्या मस्त लग रहा है। लेकिन ट्रैफिक बहुत है भाई, बहुत ट्रैफिक है यार। और लंच भी करना है अब कहीं पे अपने को, 12:30 हो गए हैं। भाई योग नगरी द रेस्टोरेंट, ऋषिकेश बाईपास क्रॉस करके आए हैं और भूख लग गई क्योंकि 1:15 बज गए हैं और गाड़ी फुल्ली लोडेड है देखो, तो भूख लग गई थी, सोचा अब लंच कर लेते हैं और उसके बाद अब चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी पहाड़ों की मस्त। 175 किलोमीटर्स हैं टू उत्तरकाशी, तो शाम के 6 बज जाएंगे, बट भाई मज़ा आने वाला है ड्राइव में और होपफुली अब वेदर थोड़ा थोड़ा बढ़िया होने लग जाए। बाकी लंच करते हैं फटाफट। अरे तुम अपना खाना लेके आए हो भाई? ओहो अच्छी लग रही है भाई, दाल फ्राई, मटर पनीर, दही और तवा रोटी, मस्त लग रही है। मस्त सा लंच हो गया अपना, बहुत ही बढ़िया खाना बनाया था। अब निकल रहे हैं, टाइम हो गया 1:19 और अभी भी 164 किलोमीटर्स है भाई। ये है डाइवर्जन, यहाँ से राइट जाओगे तो ऋषिकेश और वहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ, और लेफ्ट जाओगे तो आप निकल जाओगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए। तो हमें जाना है लेफ्ट। रोड तो भाई बहुत अच्छा बना दिया अब, 2021 में तो जब हम आए थे इतना ख़राब था, टहरी लेक के आसपास 4 घंटे ऑफ रोडिंग की थी, अब तो मस्त रोड है। ऐसे मोड़ पे ओवरटेक करने की गलती मत करना पहाड़ों पे, बिल्कुल नहीं पता लगेगा। और जो ऊपर से गाड़ी आ रही होगी ना वो हाई स्पीड में आती है एकदम से, ब्रेक नहीं लगते हैं। ओवरटेक हमेशा जब क्लियर व्यू हो तभी करना है, और हमेशा छोटे गियर में गाड़ी चलाओ। हमारी तो खैर ऑटोमेटिक है, हमेशा छोटे गियर में गाड़ी चलाओगे तो स्पीड भी लिमिट में रहेगी और इंजन ब्रेकिंग का भी फायदा उठा पाओगे। भाई देखो थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आए और कितनी ऊपर आ गए ऋषिकेश से, भाई देखो नज़ारा दिखाने के लिए रुका हूँ। अरे फोकस, क्या ही तगड़ा लग रहा है ना गंगा नदी, देखो आप ये देखो क्या मस्त लग रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया। ये है लैंडस्लाइड वाला पहाड़, देखो जाली लगा दी ना इस पे लोहे की। और गंगोत्री 247, यमुनोत्री 232, गंगोत्री दूर है, धरासू बैंड से रास्ता अलग हो जाता है, अभी काफ़ी दूर है। खैर वो अभी तो इधर तो सारे पहाड़, ये देखो पूरे एक वाटरफॉल सामने, स्टेप्स बना दिए प्रॉपर वाटरफॉल, पानी भर सकते हैं मस्त एकदम, पूरे पहाड़ लैंडस्लाइड वाले हैं ये वाले। हाँ हाँ इस गंगोत्री वाले रूट पे बहुत होती है लैंडस्लाइड, ये देखो भाई 0.5x में बहुत मिली थी हमें 2021 में, तो बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत रोड बना दिया, अब तो कुछ ऑफ रोडिंग नहीं बची। ये देखो एक और वाटरफॉल ऊपर से छोटा सा,
और रोड बहुत अच्छा बना हुआ है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। भाई ग्रीनरी देखो पहाड़ों पे कितनी मस्त हो रखी है, फुल ग्रीन है ये पहाड़। अभी ग्रीनरी कम होनी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे विंटर्स आएंगी ना। ओहो मिल गया छोटा सा ऑफ रोडिंग का चुन्नू सा पैच। भाई ये सामने जो आपको टाउन दिख रहा है ये है चंबा। हम लोग पहुंच गए हैं चंबा और बहुत बड़ा टाउन है पहाड़ों के हिसाब से, बहुत बड़ा। लेकिन गर्मी रहती है काफ़ी यहाँ पे भी। अभी भी टेम्परेचर 27 डिग्रीज है और भीड़ मिलती है काफ़ी चंबा में। अब यहाँ से बढ़ेंगे टहरी, न्यू टहरी की तरफ, और आपको दिखाएंगे लेक, सबसे बड़ी लेक। हमें ऊपर से नहीं, हमें जाना है नीचे से, जो हमें चंबा बाईपास करा देगा। नीचे से चलेंगे जी, शिमला जैसा बना रखा है ये टनल। यस वी गॉट द टनल। अब सीधा भाई चंबा के दूसरी तरफ निकलेंगे। वाह वाह क्या बात। भाई फाइनली नैन्सी रेस्टोरेंट ने बोला हमें कि चाय पिला देंगे तुम्हें। चंबा अपन ने, ये चंबा शहर था सारा, पीछे देख रहे हो। चलो चाय पी लेते हैं। गाड़ी देखो भाई क्या जबरदस्ती लगती है यार, खासकर रूफ कैरियर और जेरी कैन के साथ, और टायर्स सबसे तगड़े। चलो आई लव देवभूमि। यहाँ से देख लो भाई एक बारी नज़ारे भी, और आप झिंगुरों की आवाज सुनो। ये झिंगुर की आवाज है मेरे ख्याल में, और बहुत ज्यादा है दिन में ही। बाकी उस तरफ जाना है भाई, यहाँ कहीं मस्त लग रहा है। हाँ जी दिखाना, शक्ल दिखाना। बढ़िया रेस्टोरेंट बना रखा है, छत पे भी सिटिंग है मस्त एकदम, अच्छा है ओवरऑल, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन और नया बना हुआ है। और यहाँ से भी आप नज़ारा देख लो, देख लो। बाकी ये है चंबा शहर जैसा मैंने आपको बताया। चलो 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 आ जाओ, चलो इसको। भाई चाय इस व्यू के साथ तो मजा नहीं लाए, समझ रहे हो। ये चाय देखो क्या बढ़िया व्यू, क्या बढ़िया नेचर की साउंड, और इस बच्चे की भी साउंड मजेदार भाई मजेदार। इतना बेहतरीन रोड बना हुआ है ना, मुझे याद है 2021 में चंबा के बाद ये जो रोड आप देख रहे हो था ही नहीं, बिल्कुल बहुत एक्सट्रीम लेवल का खराब था, और अब सारा ही बढ़िया बना हुआ है, बहुत ही तगड़ा। मतलब आप 80 की स्पीड पे चल सकते हो, चलना नहीं बट चल सकते हो, इतना तगड़ा रोड है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड।
उत्तरकाशी बचाया और 90 किलोमीटर सपना, बाकी नजारे एक नंबर आ रहे हैं भाई। अब धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ लैंडस्लाइड हो रखी है, पूरा गया, एक लेन तो बची है यार। ओ भाई इस पत्थर का साइज देखो, क्या भयानक साइज है भाई। अच्छा नहीं। और क्या, भीमशिला जैसा है, भीमशिला। कट लो यहाँ से। थोड़ा सा ऑफ रोड तो मिला, एटलीस्ट बेटर देन नथिंग। टहरी लेक, बाय टाइम 4:20 और हम पहुंच गए छाम, और यहां से सिर्फ 54 किलोमीटर बचा है उत्तरकाशी, तो 1.5 घंटा मैक्सिमम लगेगा अपने को। और अभी आपको दिखाएंगे भागीरथी नदी के नज़ारे, क्योंकि अब नदी के साथ साथ चलेंगे। बाकी आप देख लो पहाड़ के नज़ारे क्या ही बढ़िया लग रहे हैं भाई, शाइन करते हुए मस्त। लो भाई देखो नज़ारा, क्या जबरदस्त लग रहा है ना, देखो बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। थोड़ी कमर भी सीधी कर ले, पूरी टहरी लेक ही चल रही है साथ में से, ये यही चलती रहेगी 100-100 किलोमीटर तक, बहुत ही ज़बरदस्त। और अभी तो पानी कम है इसमें, ज़्यादा पानी है नहीं, मानसून में रहता होगा और ज़्यादा पानी।
क्या स्ट्रेट रास्ता है पहाड़ों के बीच में, और बिल्कुल सपाट रोड है, चिलियाना सौर जगह आ गई है। और बस यहाँ से 35 किलोमीटर बचा है उत्तरकाशी। धरासू बैंड है 6 किलोमीटर, यहाँ से यमुनोत्री का रास्ता अलग हो जाता है। ये आ गया भाई धरासू बैंड, और देखो ये लगा हुआ ना यमुनोत्री लेफ्ट, 99 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर पैदल, और हमें जाना है सीधा। ये जो रास्ता गया ना, ये गया यमुनोत्री को इधर, और हम चल पड़े गंगोत्री। और अब भागीरथी नदी दिखाता हूँ भाई, ये देखिए गंगा नदी भाई, देखो क्या चीज दिखाई दी है यार, यहीं से इतने बर्फ के पहाड़। अरे हो जा फोकस, वो देखो पीछे भाई तगड़े ही लग रहे हैं यार, गंगोत्री की साइड है तो, बट यहाँ से दिख गए बर्फ के पहाड़, बहुत ही ज्यादा बर्फ है। ये लो इन पहाड़ों पे तो धूप है, ये देखो भाई अगले पहाड़ पे बर्फ है, क्या ही नजारा लग रहा है, जबरदस्त। भाई धरासू बैंड के बाद रास्ता ना एकदम मस्त हो जाता है, और नजारे और तगड़े। ये देखो हाँ ये नदी आ गई भागीरथी नदी, तो एकदम तगड़े नजारे हो जाते हैं धरासू बैंड के बाद, तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं। बस पहुंच ही गए, 23 किलोमीटर रह गया बस। बड़ी गाड़ी का ये नुकसान है भाई, बंद कर लेता वो साइड वाला ट्रक तो बिल्कुल, मतलब 1 इंच बचा है। छोटी गाड़ी का ये फायदा है, जिमनी जैसी का जिसकी विड्थ कम है, अपने को बिल्कुल सटा के लगानी पड़ी है भाई, यहाँ तो दिक्कत है थोड़ी। ए चलो 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 अब भाई अपने सनसेट होने वाला है भाई, देखो पहाड़ क्या ही तगड़े कलर के लग रहे हैं ना, पिंकिश से। सामने जो शहर दिख रहा है उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी बाईपास ही ले लेते हैं भाई, अब डीजल आके डलवा लेंगे, कल भी डल मिल जाएगा सुबह, वहां भी आगे हैं 1-2 पेट्रोल पंप। भाई टाइम हुआ है 5:37 और उत्तरकाशी अपन पहुंच गए हैं, हमारा होटल है मंडो में, तो बस यहाँ से और 7 किलोमीटर। ये देख लो भाई, कर लो दर्शन माँ गंगा के, भागीरथी नदी। क्या ही बढ़िया व्यू है, वो थी उधर। लो भाई दिखाऊं आपको उत्तरकाशी से, शहर शहर ही है पहाड़ों के हिसाब से, ये देख लो। और वो है डैम, देखो गेट्स खुले हुए हैं चारों, क्या ही तगड़ा लग रहा है ना, मस्त। और इधर सनसेट हो रहा है, बाकी अपनी गाड़ी एक नंबर परफॉर्म किया है भाई, मजे से आ गए, ये देखो वाह मजेदार। थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ही लें अब, ये देखो कितना पानी आ रहा है, दिखाऊं, ये देखो इधर से भी आ रहा है ये। अरे फोकस, चला भाई भगा अपने गधे को। भाई 6:12
जाम में फंस गए थे, गलत टर्न ले लिया था, होटल अनंत विला पहुंच गए हैं। ज़रा चेक इन करते हैं, उसके बाद रूम दिखाते हैं और फिर वीडियो एंड करते हैं। बाकी 418 किलोमीटर अपन ने आज डिस्टेंस कवर कर लिया और माइलेज देख लो 10.6, बस यही है 10 की माइलेज ही है भाई, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती ये गाड़ी। तो भाई ये कुछ सिंपल सा रूम है अपना, और हाँ ये अपना बहुत, अरे भाई बाथरूम का साइज तो काफ़ी बड़ा है, रूम जितना तो बाथरूम बना लिया है। बाकी भाई असली चीज़ जो इस रूम में है ये देखो, यहाँ पे बड़ी बालकनी, हाँ जी बड़ी बालकनी, और ये माँ गंगा भागीरथी नदी इस तरफ से आ रही है, और ये जो आपको दिख रहा है ये है उत्तरकाशी, उधर हो रहा है सनसेट। हाँ जी क्या मस्त लग रहा है ना। आवाज सुनो भाई क्या जबरदस्त आवाज आ रही है ना, पानी की भी और झिंगुर की और कीड़े मकोड़ों की, झिंगुर की और इसकी बच्चे की आवाज़ें इतनी सारी, और पूरी रात की पानी की आवाज़ आएगी, पानी की साउंड आती है और तेज़ भाव होता है तो भाई डर भी लगता है। अभी रात को बढ़ता ही है वैसे, बढ़ता ही है। तो भाई ये थी अपनी जर्नी दिल्ली से उत्तरकाशी की, अराउंड 415 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस था, तो ये आप मान के चलो 10 से 11 घंटे आपको लग जाएंगे, ट्रैफिक मिल जाता है, खाने पीने के लिए रुकते हो तो इतना टाइम लग ही जाता है, तो उस हिसाब से आओ। और डायरेक्ट दिल्ली टू गंगोत्री करने का सोचोगे तो भाई यहाँ से भी 100 किलोमीटर और है, और यहाँ से जो आगे का रास्ता है ना वो बहुत ही ज़्यादा सीनिक है, तो वो रास्ता रात में करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए हम लोग हमेशा उत्तरकाशी रुकते हैं और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकलते हैं गंगोत्री के लिए। तो कल अपन यहाँ से गंगोत्री के लिए निकलेंगे, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, बट जो नज़ारे आपको मिलेंगे ना भाई, आपको वो लद्दाख वाली वाइब्स भी दे देंगी, स्पीति वाली वाइब्स भी दे देंगी, मज़ा आ जाएगा आपको। तो कल दिखाएंगे आपको असली जर्नी गंगोत्री यात्रा की, और कल ही हम लोग दर्शन भी कर लेंगे। बाकी फ़िलहाल अब करते हैं आराम और डिनर करेंगे और सो जाएंगे। बाकी इस बार उत्तरकाशी मार्केट नहीं जा पा रहे क्योंकि लेट हो गया है। बाकी फ़िलहाल तो इस वीडियो को एड करते हैं और आपसे मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, साइनिंग ऑफ, जय माता दी। हाँ जी, ओ भाई भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया, ओ भूत आ गया, भूत आ गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।